हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज जो है हमारे यहाँ पे लगभग रात से बारिश हो रहा है, और बारिश होने के कारण हमने जो है आज इस बारिश के अंदर ही हमारा एक 2 फीट का टैंक लेने के लिए जाएंगे। और लगभग हमारे यहाँ से जो एक्वेरियम शॉप है वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन हमें यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ लोकल में एक एक्वेरियम शॉप है, वहाँ पे प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है। और जहाँ से हम एक्वेरियम का एक्सेस लेकर आते हैं तो भाई डिसेंट है प्राइस वहाँ का, ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम कम है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है वहाँ से। इसलिए हमें जो है साइकिल या फिर मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ पर जाना पड़ता है। और अभी जो है हम इस बारिश के अंदर रेनकोट पहन के चलेंगे वहाँ पे एक्वेरियम लाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि भाई नशा कितना है एक्वेरियम का। तो चलो कुछ चीज़ें पहले दिखाते हैं। ये रहा हमारा जो 2.5 फीट का एक्वेरियम है उसका एक लुक, और यहाँ पे आप देख लो पहले से जो हार्लिकोन रसबोरा है इसका साइज भी कितना बड़ा हो चुका है, और बाकी के जो कार्डिनल और नियॉन टेट्रा है वो सब के सब ठीक है अभी के टाइम पे। और कल जो है संडे है तो हम गल्फ स्ट्रीट जाएंगे, हमारा वो जो 2 फीट का एक नया एक्वेरियम ले रहे हैं उसके लिए कुछ एक्सेसरीज लाने के लिए। और जो श्रिम्प है चेरी श्रिम्प वो यहाँ पे देख लो भाई, श्रिम्प भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है पहले से, और वो देख लो एक श्रिम्प जो है अपना मॉल्टिंग के दौरान अपना जो ऊपर का कवच है वो चेंज किया है, तो श्रिम्प काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे जो सारे के सारे एल्गी था भाई वो एल्गी था अब नहीं है, ठीक है। तो हमने ऐसा कौन सा चीज़ किया ताकि वो एल्गी यहाँ से रिमूव हो गया, तो सारे के सारे आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। और इस पत्थर के ऊपर जो भी हमने जावा मॉस लगाए थे भाई उसका जो ग्रोथ है वो दिखना चालू हो चुका है। और ये देख लो यहाँ पे एक छोटू सा ब्लू श्रिम्प, और बाकी के जो है सब के सब ठीक है। तो चलो अभी फिश का जो खाना डालते हैं, तो ये है टेट्राबिट्स कंप्लीट टेट्रा कंपनी का। तो ये फूड जो है हम चेंज करने वाले कि हम क्योंकि हमारा जो फिशेज है उसको ये फूड हम नहीं देंगे, जो है एक्वेरियम प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का जो एक फूड आता है टेट्रा के लिए वह हम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अभी के लिए यही देंगे, जब हमने उसको ऑर्डर करके हमारे पास आ जाएगा तो हम ये वो वाला खाना खिलाएंगे। तो इसको मैं देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर जो है ये पैलेट्स कैसा आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो फूड डालने के बाद का नज़ारा आप देख लो, सारे के सारे जो कार्डिनल और नियॉन है और उसके साथ हार्लिकोन रसबोरा है वो सारे के सारे खाना खाने में बिजी है, सारे के सारे मुँह में जो है ये पैलेट्स है देख लो, और यहाँ से जो पैलेट्स अभी गिर रहा है उसमें से भी ये खा रहा है। तो ये खाना हम एक हफ्ते में 1-2 दिन नहीं देते ताकि फिश जो है वो हेल्दी रहे। और अमेजोन का जो ग्रोथ है वो देख लो बहुत ही अच्छा है। और ये जो लाइट है ये लाइट, इस लाइट को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो रेड कलर का प्लांट यहाँ पे लगाया था ये देख लो, प्लांट तो हेल्दी है ठीक है, लेकिन इस प्लांट का कलर जो है वो धीरे धीरे ग्रीन होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइट प्रॉपर नहीं आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये नीचे ये वाला जो प्लांट है ये वाला ये भी फुल रेड है लेकिन ये भी ग्रीन होता जा रहा है, इसमें से जो नया लीफ आ रहा है वो भी ग्रीन आता जा रहा है। तो हमें जो है इससे भी बढ़िया लाइट इसमें लगाना पड़ेगा ताकि ये प्लांट जो है ये एकदम हरा भरा रहे। तो गल्फ स्ट्रीट से हम लेकर कुछ ज़रूरत की चीज़ है जो हम लेकर आएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। ये देख लो सारे के सारे खाना जो है 1-1.5 मिनट के अंदर पूरा के पूरा ख़त्म हो जाएगा, और एक हेल्दी साइन होता है कि फिश एक्टिव है सब के सब। यहीं पर जो हमारा रेड कलर का फील बैक है इन लोगों ने बहुत दिनों बाद लगभग 6-7 महीने के बाद इन लोगों ने अंडा दिया है, और दोनों के दोनों अंडा ये एकदम फर्टाइल है, तो इसमें से बच्चा हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा, लगभग 14-15 दिनों के आसपास इसमें से बच्चा निकलेगा। और बाकी के जो कबूतर है वो सब ठीक ठाक है, और कबूतर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे कबूतर का ग्रोथ होगा वैसे वैसे हमारे एक्वेरियम का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि कबूतर का अगर बच्चा हम बेच पाएंगे तो उस पैसे से जो है हम एक्वेरियम के ऊपर इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो चलो फिलहाल के लिए उस दुकान में चलते हैं और एक्वेरियम कैसे क्या है वो आप लोगों को दिखाते हैं, और फिर घर आके उसमें वाटर डाल के देखते हैं कि वो एक्वेरियम लीकेज तो नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो। तो दुकान में आने के बाद लगभग 1.25 घंटा
ठहरने के बाद जो भैया दुकान बंद करके चले गए थे, तो मैंने वापस बुलाया भैया को, और भैया आके जो है हमारा जो टैंक है उसका एक फिनिशिंग ग्लू का टच दे रहे हैं, ताकि कहीं पे भी अगर लीकेज या फिर कुछ बबल्स होगा तो वो इस सिलिकॉन देने के लिए वो नहीं दिखेगा। और अंदर बहुत सारा, जो पास ही एक स्कूल है तो वहाँ से बहुत सारा बच्चा जो है वहाँ यहाँ पे फिश लेने के लिए आते हैं, और अभी टिफिन टाइम है तो ये लोग आके फिश देख रहे हैं। और ये टैंक जो है ये 18 ग्लास का बना हुआ है, ये 2 फीट बाई 1 फीट 1 फीट का है, और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 850 रुपये, और ठीक ठाक है प्राइस। तो चलो इसको घर जाके देखते हैं। 2 फीट का एक्वेरियम है वो भाई, यहाँ पे हमने सेट कर दिया है, और ये लीकेज टेस्ट करने के लिए हमने इसमें आधा वाटर फिल किया है, और भाई जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि ये देख लो इस कोने से जो है ये वाटर लीकेज हो रहा है, ये देख लो, तो करीब से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये यहाँ से वाटर लीकेज हो रहा है ये। तो अभी तो ये हम सेट नहीं कर पाएंगे, कल गालिफ स्ट्रीट से जो है और हम डाउसिल का एक ग्लू और गन लेकर आएंगे और इसको फिर से ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे इस टैंक का, क्योंकि ये अगर हम यहाँ से जहाँ पे से लेकर आए जिस दुकान से वहाँ पे लेके जाएंगे तो भाई और जितना खर्चा पड़ेगा ना हमें उसमें से अगर आधा खर्चा भी करेंगे तो ये रिपेयर हो जाएगा, तो हमें उस दुकान में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इससे पहले वो जो 2.5 फीट का एक्वेरियम है वो लेकर आए तो पीछे जो वहाँ पे हैं, लेकिन वो लीकेज नहीं हुआ था, भैया अच्छे से बनाते हैं, लेकिन यार ये पता नहीं कैसे लीक हो गया, तो इसका जो वाटर है वो हमें खाली करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा कबूतर का जो घर है ये पूरा भीग जाएगा। तो चलो उसको फटाफट से खाली करते हैं, और क्या करें अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कल जाके जो भी करना होगा करेंगे। और उसमें जो लाइट है वो लाइट लगेगा इस 2 फीट वाला एक्वेरियम पे, और ये स्टैंड जो हमने बनाया था इसका प्राइस पड़ा था मुझे 550 से 600 रुपये के आसपास, और एक्वेरियम का प्राइस पड़ा है 850 रुपये। 8 mm ग्लास है, ठीक है, एक बात याद रखना, ये 8 mm ग्लास है, 2 फीट बाई 1 फीट 1 फीट का है, इसका प्राइस पड़ा है मुझे 850 रुपये। आप भी कमेंट करके बताओ कि आपके वहाँ पे जो एक्वेरियम है उसका प्राइस कितना है, क्या चीप रेट में मिलता है। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको अगर एक्वेरियम के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो एक्वेरियम के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाला जो कॉन्टेंट है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।